कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष में प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर का जन्म धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने पृथ्वी की गर्द और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव, लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेष के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिनॉइड से सागर बन गया। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली जिक्र है उसका नाम है मानव जाति का उत्पत्ति जो हुआ ना बता रहा सुनो ठीक से। डर गया 35 करोड़ वर्ष जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घून, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए जिसके नौका के पालों का एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। ये हाल चाल में हो एक मीटर तक पंख फैलाने की क्षमता से जान पाए। साथ ही एवं पृथ्वी के चारों धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उनमें पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को स्थान देखो वो अपनी मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोनम चूहे जैसे आकार प्राचीन सरसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के और धरती के एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो किरण की तरह हल्के होते थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। पकड़ाएगा थोड़ी
कुछ चार पैरों से चलते थे, तो सियालोफाइसिस दो पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरसों आकाश और सागर में भी छा गए थे। पीछे वाला ये ब्रेकियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सब डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की बदलती से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बैक्टीरिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश के लोगों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलते हैं। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दांत को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलिपाइनस एवं ओवेराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तीन धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासोलोपस और कोरिथोसॉरस के स्तर पर गर्मी करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडो उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महाद्वीप में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से आंख देखो बावरे बाव। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सॉरस रेक्स भूस्थल पर इसका ही डांस चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। हाथी पे दिखाई नहीं हाथी पे हाथी पे
हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों में थे। तारा द्वारा जैसे परी एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहाँ मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्य का जर्मनी में शीतल पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से वर्ष के चारों से भर गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंड, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बनाया। आकार ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मेडिलों ने उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दांत आकार के हिरण इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का ही किसी और के पहले दिनों पर अपने अनुभवों को याद कर समाप्त हो गया। ये डार्क राइड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया इसमें। मैं वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूँ।